यदि आप भी चाहते हैं आपके कलांचों के प्लांट में बहुत सारी बर्ड्स बने और बहुत अच्छे से ब्लूम हो, प्लांट एकदम हेल्दी रहे, नर्सरी की तरह पूरा बुशी प्लांट रहे, बड़ी बड़ी पत्तियां रहे, बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस तरीके से बनाइए, ऑयल मिक्स इस तरह खाद डालकर बनाइए कि जिससे कि आपका प्लांट एकदम ठंडी भर हेल्दी ग्रोथ करता रहे। विंटर में तरह तरह के पौधे आते हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको बोलते हैं कलांचों का प्लांट। कलांचों का प्लांट नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ सीजन परचेस करते हैं तो इतना कॉस्टली नहीं मिलता है। स्पेशली अगर बारिश के टाइम पे अगर इनको अच्छे से आप केयर कर पाते हैं, इनकी सॉइल मिक्स अच्छा बनाते हैं, तो आपके गार्डन में टिक जाते हैं। और फिर विंटर जैसे ही आता है, जैसे अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट आपके पास में ऐड हो जाते हैं। तो मेरे पास भी 8-10 गमले हैं जिनको मैंने पिछले साल कटिंग से बहुत सारे रेडी किए थे। इस साल अभी तक मैंने कोई कटिंग नहीं लगाई है। आज मैं आपके साथ में कटिंग लगाना शेयर करूंगी। उसके बाद में जो रेनी सीजन में मैंने कटिंग से लगाए थे प्लांट, ये ऑरेंज कलर का है कलांचो का प्लांट, जो बहुत अच्छा बुशी सा चल रहा है, इसमें नई नई ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही। तो इसके मैं और भी प्लांट बनाऊंगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने पॉली बैग में ही लगा दिया था, इसके मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, 4 कटिंग है, 5 लगाई थी लेकिन एक कटिंग मर गई थी, तो 4 कटिंग अभी भी हैं। तो अभी देखो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और एक ये भी लगाया था। तो जैसे ही कटिंग मुझे मिल जाती है तो मैं पॉली बैग में फटाफट उनको लगा देती हूँ, स्पेशली विंटर के प्लांट। और ये जो प्लांट है ये काफ़ी डी शेप में हो गया और इसकी रूट्स पूरी ओपन दिखने लगी हैं। तो ये 3 प्लांट एक में ही लगे हुए हैं, तो इनको भी रिपोर्ट करूंगी, तो एक प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। कलांचों के प्लांट को आप स्टेम से तो लगा ही सकते हैं, लेकिन पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। पत्तियां ग्रो होने में टाइम लगता है, स्टेम से बहुत जल्दी लग जाते हैं ये प्लांट। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है जो अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नर्सरी में ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और विंटर आते आते मतलब बारिश, गर्मी और बारिश में इन प्लांट को सर्वाइव कराना थोड़ा सा टफ होता है। ये बहुत ज़्यादा फुल सनलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग ले लेते हैं। तो जो भी प्लांट है उसमें से छोटी बड़ी आपको जो भी ब्रांच मिल जाए उनको आप ले सकते हैं। मैं इस तरीके से ब्रांच कट कर लेती हूँ, बहुत आराम से इनकी कट हो जाती है ब्रांच। आपको कोई भी प्रूनर वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे ही धीमे से कट कर लीजिए, निकल जाती हैं। तो मैं 2 कटिंग लगाऊंगी, 2 कटिंग से ही बहुत सारे प्लांट मेरे पास ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो मैं नर्सरी में जाकर दे आती हूँ, नया पौधा लेकर आती हूँ। तो मैंने 2 की जगह 3 कटिंग ले ली हैं, जिससे कि मैं पॉट में लगाऊंगी तो पॉट मेरा भर जाए। कटिंग लगाने के लिए ये मैंने छोटा सा पॉट लिया है, इसी में लगा दूंगी, जिससे कि विंटर भर मेरी कटिंग इसी में लगकर इसी में फ्लावरिंग हो। कटिंग लगाने के सॉइल मिक्स के लिए मैंने गार्डन का सॉइल और जो हमारी लीफ कंपोस्ट है उसको मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से भुरभुरा मटेरियल बनकर रेडी हुआ है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाला था, तो आप फंजीसाइड ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। और पानी मैंने इस तरीके से पानी पहले डाल देना है, कटिंग जब भी आप लगाते हैं तो पहले पानी डालें उसके बाद में कटिंग लगाएं, जिससे कि बाद में अगर आप पानी डालेंगे तो कटिंग आपकी जो है हिल जाएंगी, तो उनके सक्सेस होने के चांस कम रहेंगे। कटिंग जब भी लगाते हैं तो पानी पहले डाल दें, पानी इतना डालना है कि ड्रेनेज से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आउट हो चुका है पानी, एक्स्ट्रा वाटर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी की प्लांट है। सॉइल मिक्स भी अगर आपके पास में कंपोस्ट नहीं है तो आप जो है सैंड का यूज कीजिए, प्रॉपर सैंड में भी बहुत अच्छे से कलांचों की कटिंग रेडी होती है। अब ये कटिंग है और ये है फंजीसाइड पाउडर, आप अगर चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड पाउडर लगा रही हूँ और इस फंजीसाइड पाउडर को थोड़ा सा ऐसे लेकर और इस पर भी स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे भी किसी भी प्रकार का फंगल लगने का चांस ना रहे। और कटिंग को सेम ऐसे ही धीमे से, क्योंकि हमारी जो लीफ कंपोस्ट है, मैंने लीफ कंपोस्ट बनाई थी, तो उसके कारण जो है काफ़ी सॉफ्ट जो है सॉइल है, एकदम हल्की सॉइल है। तो सभी कटिंग में इसी तरीके से रूट जो मतलब कि जो इसकी स्टेम का लास्ट पार्ट है वहाँ पर हम फंजीसाइड लगा लेंगे, जिससे कि कोई भी प्रकार का फंगर ना लगे। और कटिंग को बस एज इट इज ऐसे ही रखकर और 2 उंगलियों से प्रेस कर देंगे। तो कटिंग हमारी लग चुकी है, अब हमको कोई भी पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। और इसको जो है शेडी प्लेस में रख देना है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, एकदम अंधेरी जगह में नहीं रखना है, नहीं तो पत्तियाँ गिरकर और स्टेम जो है गल जाएगी। अब आती है बारी कलांचों के कटिंग से लगे हुए प्लांट की रिपोर्टिंग करने का। तो वैसे तो देखा जाए मेरे पास में जितने भी प्लांट हैं, 12-13 पॉट हैं, वो सभी कटिंग से लगे हुए हैं, उन्हीं में एक एक दो दो तीन तीन कटिंग लगी हुई, तो रिपोर्ट करने के लिए तो बहुत सारे हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ में, या तो ये पीच कलर का है मेरे पास में,
उसको रिपोर्ट करूँ तो इनके रिपोर्ट करूँगी तो तीनों प्लांट मुझे एक साथ रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी मैं इसको अवॉइड कर और ये जो पॉलीबैग में लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास में एक ही प्लांट है, मतलब एक ही पॉलीबैग में है, तो ये प्लांट जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो मैं अक्टूबर के लास्ट में भी इसकी, मतलब कि नवंबर में भी इसकी कटिंग लगा लूँगी और इसके ढेरों प्लांट बना लूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल मिक्स, अगर आप प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉइल मिक्स बना सकते हैं। ये है गार्डन सॉइल, ये है नीम की खली जो मैंने एक चम्मच ली है नीम की खली, ये फंजीसाइड पाउडर है और ये हमारा लीफ कंपोस्ट है और ये बोन मील है। बोन मील क्या काम करता है कि जड़ों को बहुत अच्छा मजबूत करता है और फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़वार करता है। अगर आप चाहते हैं आपके कलांचों में अच्छी फ्लावरिंग हो, प्लांट एकदम हेल्दी ग्रोथ करे, तो आप जो है बोन मील का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये है गोबर की खाद, तो मैं एक मुट्ठी ही ले रही हूँ गोबर की खाद, इससे ज़्यादा नहीं, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सॉइल मिक्स मैंने पूरा अच्छे से मिला लिया है। अब पॉट के लिए मैं ऐसा ही छोटा सा ही पॉट लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे कलांचों के प्लांट होते हैं वो नीचे बहुत ज़्यादा रूट नहीं फैलाते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लग जाते हैं। तो ये है सिंथेटिक कॉटन जो मैं हमेशा यूज करती हूँ ड्रेनेज के लिए, इसमें पानी बहुत आसानी से निकल जाता है और इसी में हमको ये सॉइल मिक्स डाल देना है, अच्छे से टैप टैप कर देना है। उसके बाद में हमको लेना है हमारा ये पॉलीबैग जो हमने लगाया हुआ था, कटिंग से लगाए हुए प्लांट है। अभी मैं इसको चाहूँ तो मैं इसमें से अलग अलग प्लांट कर भी निकाल सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चार प्लांट हैं, तो देख सकते हैं जो सॉइल मुझे मिली उस टाइम पर मैंने उसी सॉइल में, लोग बोलते हैं रेड सॉइल में नहीं चलती, ये रेड और मेरी गार्डन सॉइल दोनों ही मिक्स है, उसी में लगाए हुए प्लांट हैं। अब मैंने सोचा है कि इनको मैं दो पॉट में लगा दूंगी, हाफ हाफ कर लेती हूँ, जिससे कि दो प्लांट मेरे रेडी हो जाएंगे, दो पॉट रेडी हो जाएंगे। तो थोड़ी सी सॉइल बची है उसमें और अच्छे से सॉइल मिक्स बनाकर लगा दूंगी, पहले इसमें लगा देती हूँ, इसको ऐसे ही रख देती हूँ नीचे का। आप देख सकते हैं कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, लेकिन रूट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है नर्सरी में जो मिलते हैं प्लांट कलांचों के, वो इसीलिए छोटे छोटे पॉट में लगे रहते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा रूट ही नहीं होती है। इतना करने के बाद में हमको इसको कवर कर देना है मिट्टी से। तो एक पॉट रेडी हो चुका है, अभी दूसरा प्लांट रेडी करना है, उसके लिए फिर से सॉइल बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस प्लांट को मैं इस पॉट में लगाऊंगी, नर्सरी वाले पॉट में। पहले ये जो है मिट्टी है इसको हटा लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा रूट तो ज़्यादा होती नहीं है, तो आप नीचे जो एक्स्ट्रा मिट्टी रहती है जब भी रिपोर्ट करते हैं, तो जिससे कि नई मिट्टी प्लांट को मिले, इस तरीके से आपको करना है। तो अभी सॉइल मिक्स को मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वही सेम सॉइल मिक्स है, सॉइल मिक्स इसका हल्का ही होना चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा स्टोर ना हो इस प्लांट में। अगर पानी स्टोर नहीं होगा तो प्लांट आपका कभी भी मरेगा नहीं, अगर पानी स्टोर होगा तभी प्लांट आपका मरेगा, उसके पहले आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगा, क्योंकि एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। बस सेम इसको भी रख के और इसी तरीके से मिट्टी से कवर कर देना है। फ्रेंड्स, जो ये लाल मिट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसी में अपनी गार्डन की मिट्टी बनाकर आप इसको काफी दिन तक रख सकते हैं। गोबर की खाद और गार्डन की मिट्टी डालकर मिक्स कर किसी भी जगह आप किसी भी पॉट में रख देंगे, उसके बाद में ये बहुत ही अच्छी उपजाऊ हो जाती है। रेड सॉइल में जो है कटिंग वगैरह बहुत आसानी से लग जाती है, ये बहुत जल्दी सूख भी जाती है, मिट्टी हार्ड हो जाती है और बहुत जल्दी गीली भी हो जाती है। तो इसमें कटिंग वगैरह बहुत अच्छे से लगती है, मैं बहुत मिक्स करके अपने गार्डन में इसका यूज करती हूँ, आप भी ट्राई करिएगा। तो ये हमारे प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं, अब इनको हमको पानी देना है। तो पानी मैंने फंजीसाइड वाला पानी लिया है, लगभग हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें फंजीसाइड ऐड कर लिया है, जिससे कोई भी फंगल लगने की समस्या ना रहे। वैसे तो नीम खली है, उसके बाद में फंजीसाइड भी हमने डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारी लीफ कंपोस्ट है उसमें मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से हो जाता है, तो हमको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप भी कटिंग लगा सकते हैं। पानी डालने के बाद में इनको आपको सेडी प्लेस में ही रखना है, तो जहाँ मेरे ये प्लांट रहते हैं मैं वहीं इनको रख दूंगी, जिससे कि इनको सेम मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे।
तो यदि आप भी चाहते हैं कलांचो के एक प्लांट से ढेरों प्लांट बनाना, तो अभी से आप कटिंग लगाना चालू कर दीजिए। बहुत सारे प्लांट आपके पास में रेडी हो जाएंगे, फरवरी मार्च में बहुत अच्छे से ब्लूम भी करने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।